और एक और बात, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भानु भले ही गुंडा होगा पर मैं भी डॉक्टर हूं, अच्छे से इलाज करना जानता हूं। अच्छे से इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि झाबुआ में फिर भटक नहीं पाएगा। पूरा बोरिया बिस्तर बंद कर दो, पूरी ताकत से जब हम लोग लड़ेंगे। अभी कल एक मेरे व्यक्ति मेरे पास आया, बोल रहा था कि वो भानु के नाम से वो ढाबे पर कुछ लोगों को झाबुआ में डरा रहे थे। और लाडली बहना योजना कर रहे हैं बीजेपी वाले, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और एक एक हजार कुछ बहनों के खाते में डाल दिए तो ये सोचते हमारी बहनों को खरीद लेंगे क्या? खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीद सकते ना। आपको बता दूं, ये लाडली बहना योजना के बारे में तो बता दिया, पर बेचारे जीजा जीओ को छोड़ दिया। जीजा जी की कुछ पूछ परख नहीं कर रहे। एक तरफ से लाडली बहना को एक एक हजार रुपए देने की बात कहते हैं कुछ बहनों को, और दूसरी तरफ जीजाओ जीओ के जेब में बिजली के पांच पांच हजार के बिजली के बिल डाल दिए। डाल दिए कि नहीं डाल दिए? बिजली के बिल भरे हुए आ रहे कि नहीं आ रहे? कितने लोगों के बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे? जरा हाथ उठाकर बताओ। सबके आ रहे हैं। अरे दोनों हाथ क्यों उठा रहे हैं? बीजेपी पैसा दे रही है क्या? बिजली के बिल आ रहे तो बोलो आ रहे। और आपको बता दूं, आप में से यहाँ बैठे ज्यादातर किसान है, किसने किसान भाई है? जरा हाथ उठाकर बताओ। भाई भाई घोड़ा दब जाना यार, सब लोग किसान है ना। अब मुझे बताओ, जब हमारे पूरी फसल चौपट हो गई, पहले तो पानी नहीं गिरा, सही है कि नहीं? उस टाइम मैंने बिजली काट दी कि नहीं काट दी? और फिर ज्यादा पानी गिर गया तो पूरी फसल चौपट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? और अभी तक आपके यहाँ पर कोई भी पटवारी सर्वे करने आया कि नहीं आया? अरे उधर लगता है पटवारी आया कि नहीं आया, तो बोलो ना नहीं आया। अब जब हम लोग दिक्कत में हैं, तब बीजेपी वाले क्या मर गए? जो अब हमारे सामने नहीं आ रहे, वोट मांगने तो आ जाओगे, जब हमें जरूरत होगी तब लोग तुम नहीं आते हो, तो ऐसे लोगों को लात मारकर भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? डरा रहे थे आप, समझो अभी तो इनकी सरकार है, कुछ हुआ नहीं, ये दादागिरी चालू कर दी और कमीशन घोर तो थे, दारूबाज तो थे, और आज डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मैं बता दूं, ये लड़ने वाले लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, डरते नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। और इनके मुख्यमंत्री की तो क्या बात करूं, मुख्यमंत्री झाबुआ में आया था कि नहीं आया था? और झाबुआ में क्या बोलकर गया कि भानु तुम दो पद मत रखो, विधायक का पागल विधायक का कैंडिडेट बन रहे हो तो जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दे दो। मुझे समझ में नहीं आता ये मुख्यमंत्री को क्या देता है कि इसको मुख्यमंत्री बोलने के बाद भी इसको जिला अध्यक्ष से नहीं हटा पाया, तो मुख्यमंत्री पर क्या भरोसा करेंगे? कि ये खुद भी विधायक का उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष भी यही, आईटीडीपी का अध्यक्ष भी यही, तो बाकी लोग क्या फर्जी काम करने के लिए आए क्या? आप लोग समझो कि सब अगर इसी को दे दोगे तो बीजेपी वाले आते बोलते हैं कि हमारा क्या काम है। तो मैंने भी उनको बोला कि इस बार पक्के से बंदोबस्त कर दो, इनको कोई छोड़ना मत, क्योंकि बीजेपी लूट खाने वाली पार्टी है, ये लूट कर खा जाएगी। और इस बार हम अपने भाई को लूटने नहीं देंगे। लूटने देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो आपके साथ पूरे दमदारी से हम लोग खड़े हैं, डरो मत। आपको मैं एक जवाबदारी से बोल रहा हूं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, जितने लोगों का मुआवजा है वो उनको मुआवजा देने का हम लोग काम करेंगे। ये आपसे वादा कर जा रहे हैं। साथ में जितने किसानों पर कर्ज है उसकी वापस से कर्ज माफी होगी, ये भी आपसे वादा करकर जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने गारंटी दी है। बिजली का बिल 100 रुपए पहले आता था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब 100 यूनिट तक का, जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी 100 यूनिट तक का बिजली का बिल नहीं लगेगा। ये हमारी जवाबदारी से बोल रहे हैं। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे कुछ लोगों को नहीं चाहिए शायद, अगर चाहिए तो हाथ उठा के बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम मुआवजा भी देंगे, मुफ्त में बिजली भी देंगे, और 5 हॉर्स पावर तक की
की मोटर भी पूरी मुफ्त में देंगे, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। बैंकों को 1500 रुपए हर महीना भी मिलेगा। और जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, घबराओ मत, आपको पुरानी पेंशन योजना भी हम देंगे, सारे कर्मचारियों को भी पेंशन देंगे। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो कि नहीं हो? तो एक जोरदार नारा लगाओ, संविधान की रक्षा कौन करेगा? बड़ों की रक्षा कौन करेगा? युवाओं की रक्षा कौन करेगा? और बीजेपी की धुनाई कौन करेगा? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, डर गए क्या? तो जोर से बोलो, बीजेपी की धुनाई।